हेलो दोस्तों, दादा चौधरी का तरफ से आप सबको फिर एक दफे स्वागत है। आप जो आईवी इनलैंड वेसेल एग्जाम का लिए जो मेरा साथी जो आईवी में काम करते इनलैंड वेसेल में काम करता है, जो वाइलर है वो सेकेंड क्लास इंजन ड्राइवर एग्जाम के लिए सर्विस भरा है, जो सेकेंड क्लास ड्राइवर है वो फर्स्ट क्लास के लिए सर्विस भरा है, और जो फर्स्ट क्लास ड्राइवर है वो इंजीनियर के लिए सर्विस भरा है। तो ये सबको मेरा तहे दिल से मेरा आशीर्वाद है कि आप सब बेस्ट ऑफ लक, आप पास हो जाएगा। 100% गारंटी आप पास हो जाएगा। सिर्फ हमारा वो यूट्यूब चैनल आप देखते रहिए, आप पास हो जाएगा। मैं दादा चौधरी बहुत दिन से आप लोगों को फ़ोन आता था कि इंजन स्टार्टिंग का सिस्टम जो है वो थोड़ा बताने का लिए, तो इसका पहले भी वीडियो में मैं बता चुका हूँ, फिर भी आप लोग का रिक्वेस्ट के लिए मैं आप लोग को बता देता हूँ, आज भी मैं बता देता है। तो पहले मेरा परिचय थोड़ा दे देता हूँ, आप लोग को तो मालूम है, फिर भी मैं एक दफ़े बोलता हूँ। मैं दादा चौधरी मुंबई पोर्ट का एक्स इंजीनियर इंचार्ज में काम किया, इंजीनियर इंचार्ज में काम किया, 30 साल तक सर्विस किया, और मेरा जितना तजुर्बा है इंजन का बारे में, ओनली इंजन साइड का मेरा जो दोस्त है उनका लिए मैं गाइडेंस करता हूँ। इसलिए करता हूँ कि कोई भी एक भी मेरा दोस्त, मेरा फ्रेंड, मेरा साथी फेल ना करे। अगर आप हमारा वीडियो देखे तो आप कभी भी आप फेल नहीं होगा, ये तो 100% है, आप कभी फेल नहीं करेगा, बात ऐसा है। तो प्लीज आप लोग देखते रहिए। और बात ऐसा है कि कभी भी आपको कुछ अगर जरूरत पड़ा, कभी भी आपको जरूरत पड़ा कि आपको कुछ भी क्वेश्चन का, कुछ भी इसका कुछ भी जरूरत पड़ा, कभी भी हमको फ़ोन कर सकता है। कभी 24 घंटे में कभी भी फ़ोन कर सकता है। हमारा जो फ़ोन नंबर है 9819631432, इस नंबर में आप आराम से फ़ोन कर सकता है और पूछ सकता जो कैसा क्या है क्या नहीं है, अगर समझ में नहीं आए तो। तो दोस्तों पहले तो बात यह है, जो इंजन का जो स्टार्ट करने का वो तो करेगा, हम कर देगा, इंजन स्टार्ट करेगा, लेकिन बात ऐसा है जो इंजन, अभी इंजन किसको बोलता है, इंजन हम किसको बोलेगा, समझ गया क्वेश्चन, समझ गया। ये क्वेश्चन मेरा नहीं है, क्वेश्चन मर्केंटाइल मरीन डिपार्टमेंट में भी पूछा है एग्जाम का लिए, क्वेश्चन एमएमबी पूछा है, क्वेश्चन कोलकाता का एमएमडी पूछा है, क्वेश्चन ये लोग का जो क्वेश्चन है सर्वेयर का क्वेश्चन है, इंजन किसको बोलता है, बराबर बात नहीं। इंजन किसको बोलता है, हम किसको इंजन बोलेगा, इंजन उसको बोलता है जो तेल, मतलब जो जलने का साधन है, पानी हवा, ये तीनों चीज में चल के, जो इसमें चालू होके चल के जो खुद खुद पावर जनरेट कर, ताकत पावर जनरेट करता है उसको इंजन बोलता है, वो खुद ताकत तैयार करता है, ये तीनों चीज से चल के वो खुद ताकत तैयार करता है उसको बोलते हैं इंजन। नहीं तो हम लोग एक ड्रिल मशीन चलाते उसको तो बोलेगा इंजन, कुछ भी एक एयर कंप्रेसर चालू करता है उसको तो इंजन बोलेगा, क्यों नहीं बोलते उसको इंजन, वो इंजन नहीं है, इंजन खुद ताकत तैयार करता है उसको इंजन बोलता है, बराबर। तो आपको पास अगर नया इंजन दे दिया तो उसको आप चालू कैसे करेगा,
आपका पास इंजन नया दे दिया तो उसको तो चालू करना है, आप उसको कैसे चालू करेगा? नया इंजन दे दिया तो उसको पहले क्या करें, करने का क्या? अगर कंपनी ने नया इंजन लाया और आपको दिया तो आप क्या करेंगे? पहले पहले तो बात है, वो नया इंजन स्टार्ट देने का पहले आपको कुछ काम रहता है, वो काम करने का बाद ही आप इंजन को हाथ लगा सकता, स्टार्ट कर सकता। नहीं तो इंजन नया आया और आप ऐसा तेल देखा नहीं, कुछ देखा नहीं, पानी देखा नहीं, आप चालू कर दिया, पहले तो वो तीन चीज़ में से वो इंजन है तो पहले ही आपको बोल दिया। तो इसके लिए वो सब चीज़ आपको देखना है, क्या क्या देखना है। पहले उसको मैनुअल खोल के देखो, उसको स्टार्टिंग सिस्टम क्या है, कैसा है, क्या है क्या नहीं है, थोड़ा सा मैनुअल देख लो, चेक कर लो, हो गया। वो इंजन का मैनुअल रहता है OEM, ओरिजिनल जो मेड रहता है, ओरिजिनल इंजन मेड जो कंपनी रहता है उसको OEM बोलता है। तो उसको थोड़ा सा मालूम उसमें देता है, गाइड देता है किसको, वो आपका जो मैनुअल में, इंजन मैनुअल में। फिर उसको क्या करने का, इंजन को थोड़ा सा घुमाओ, इंजन थोड़ा सा जहाज में किसी को बोलो, आपका ग्रीजर ऑयलर जो कोई रहेगा उसको बोलो थोड़ा सा इंजन को घुमाओ। इंजन घुमाया, डिकम्प्रेशन कॉक अगर उसमें सिस्टम है तो डिकम्प्रेशन कॉक खोलो, खोल के उसको यार थोड़ा सा इसमें कंप्रेशन बाहर जाने दो, फिर बंद करो, डिकम्प्रेशन कॉक को बंद करो। फिर उसको क्या, सर्विस टैंक देखो, उसमें सर्विस टैंक में टैंक दो आता है, सर्विस टैंक आता है, मेन टैंक आता है। तो सर्विस टैंक में तेल भरा हुआ क्या नहीं हुआ देखो, मेन टैंक में तो तेल भरा, आपको बोला है 3,000 लीटर 4,000 लीटर तेल भर दिया, लेकिन सर्विस टैंक में तेल भरा है क्या नहीं भरा है वो देखो। देख लिया वो तेल है सर्विस टैंक में, अगर कम है तो उसको भर दो। फिर हैंडपम्प से उसको या रिलीज करो, पम्प जो हैंडपम्प है उसको थोड़ा प्राइमिंग करो, प्राइमिंग करके चारी बाजू में किधर किधर यार पकड़ा है, कुछ पकड़ा है तो यार रिलीज कर दो हैंडपम्प से प्राइमिंग करके। फिर इलेक्ट्रिक अगर वाटर पम्प रहेगा तो वाटर पम्प से तो उसको लीक चेक करो, किधर भी लीकेज वीकेज होता क्या, पाइपलाइन पानी भी नहीं ये वगैरह किधर लीकेज होता क्या, लीक चेक करो। उसको बाद सी वाटर का, सी जो सी का कॉक और वाल, सी वाल रहेगा तो वो खोलो, उसका जो ऑक्सिलरी वाल रहेगा वो खोलो, कॉक खोलो, खोलने का बाद खोलो, खोल के देख किधर भी लीकेज होता है, किधर कुछ होता है क्या। फिर इंजन का पूरा का पूरा एक दफे घूम के देखो, किधर चेकिंग की चेक करके किधर भी कुछ है क्या, किधर घुमाने का टाइम में कुछ किधर आवाज़ आता है, कुछ आता है क्या। फिर उसको स्टार्टिंग अरेंजमेंट देखो, क्या स्टार्टिंग सिस्टम है, बैटरी में स्टार्ट है या स्टार्टर है, इलेक्ट्रिक स्टार्टर में स्टार्ट है और जो स्टार्टिंग एयर में स्टार्ट है, ये एयर स्टार्टिंग है, एयर स्टार्टर है और बैटरी है, क्योंकि एयर में स्टार्ट हो सकता है, एयर बॉटल से जो हवा है उसमें स्टार्ट हो सकता है, और उसमें स्टार्टर है एयर स्टार्टर उसमें भी स्टार्ट हो सकता है और बैटरी में स्टार्ट हो सकता है। तो बात ऐसा है जो अगर बैटरी में स्टार्ट होने का है थोड़ा सा बैटरी का तो चेक करना पड़ेगा आपको, बैटरी चेक करने का, अगर बैटरी में चेक करने का है तो बैटरी में क्या क्या चेक करें, बैटरी में तो उसको जो वो बैटरी को हाइड्रोमीटर से उसको देखो कितना चार्जिंग है, चार्जिंग फुल है क्या नहीं है, उसको बाकी कॉक वगैरह क्लीन है क्या नहीं है, उसमें जो डाइल्यूट जो एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड और H2SO4 और इसका जो ये दिया हुआ है और डायलेशन दिया है वो डायलूट का वो देखो, पानी और उसका डिस्टिल्ड वाटर और उसका ये बराबर है क्या नहीं, ये सब देख के उसको चार्जिंग देख के टर्मिनल पूरा टाइट है क्या नहीं देख के फिर अपन क्या करने का उसको स्टार्ट मारने को लिए कोशिश करेगा। एक दफे थोड़ा सा अच्छा कीक मार के थोड़ा कीक मारेगा, कीक मार के फ्री घुमा लेगा एक बार, ऑयल का बढ़ाएगा नहीं, तेल का रैक बढ़ाएगा नहीं, फ्री घुमा लेगा, उसको बाद सेकंड टाइम में चालू करेगा। तो क्या चालू करेगा, बैटरी से जो दो तार आया वो जो सेल्फ स्टार्टर है, जो सेल्फ स्टार्टर कैसे इंजन स्टार्ट होते हैं, वो जो सेल्फ स्टार्टर है उसमें एक तार दो तार बैटरी से आए, एक बॉडी का साथ
अर्थ है, अर्थ कनेक्शन है, और एक तरफ जो सेल्फ शटर का सोलेनाइड स्विच, जो सोलेनाइड स्विच बोलते हैं वो सोलेनाइड स्विच में कनेक्शन रहता है। सोलेनाइड स्विच से दो तार निकला, वो किधर गया, जहाँ पे पुश होएगा, जो दो तार निकला ऐसा दो तार नहीं है, वो एक ही तार है, वो पुश स्विच के उधर कट ऑफ होके पुश स्विच हुआ, ऐसा पुश करने का। तो वो कोई कोई जगह में पुश स्विच का पहले इग्निशन स्विच है, इग्निशन स्विच देने के बाद फिर पुश स्विच कोई कोई जगह में रहता है, लेकिन पुश स्विच में जाता है। फिर पुश स्विच में कनेक्शन रहता है, दो तार पुश स्विच में कनेक्शन रहता है। पुश स्विच को जब हम पुश करेगा, पुश स्विच को पुश करने से कॉन्ट्रैक्ट होके बैटरी का करंट से सोलेनाइड स्विच को मैग्नेटाइज करके, जो आर्मेचर घूमता है, घूम कर सोलेनाइड स्विच को मैग्नेटाइज होकर कॉन्टैक्ट करके करंट कहाँ जाता है, फील कॉइल कार्बन कम्यूटेटर होकर आर्मेचर में जाता है। आर्मेचर में जाने के साथ करंट किधर जाता है, बैटरी का करंट किधर किधर गया, फील कॉइल कार्बन कम्यूटेटर होके आर्मेचर में गया। कहाँ से गया, वो सोलेनाइड स्विच के वहाँ से। तो वो करंट बैटरी करंट जब वहाँ गया, उसे हम उस पकड़ के रखा, तभी क्या वो आर्मेचर घूमते रहेगा। अभी वो सेंट्रीफ्यूगल एक ही जगह में घूमता है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलता है उसको, ऐसा 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 घुमाओ, एक रस्सी के ऊपर कुछ बांध के ऐसे एक ही जगह पे घुमाओ, तो वो घूमते रहता है, तो उसको बोलता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। फोर्स का मैं जाएगा जब दूसरा, तो आपको बताएगा आप लोगों को। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में वो स्प्रिंग को लेके और जो टीथ रहता है पिनियन, क्विक पिनियन उसको नाम है, तो ये क्विक पिनियन और स्टार्टर पिनियन टीथ है, वो टीथ को क्विक पिनियन को लेके आगे जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में। तो क्योंकि वो बाहर नहीं जा सकता ना, तो कहाँ जाएगा, आगे जाएगा, स्प्रिंग को लेके आगे जाता है। आगे कहाँ जाता है, जो फ्लाईल इंजन का है, इंजन का फ्लाईल का दांता में जाके जो ऐड हो जाता है, दांत जो है उसको, फ्लाईल का जो दांत है उसको दांत में पेनियन का दांत जाके जोग हो जाता है। जब वो पेनियन जाके उधर दाता में जोग आता है, आगे जाने के लिए उसको चांस नहीं, जोग होता है, तभी क्या होता है, टीगर पॉइंट है जो है स्टार्टर में, वो टीगर पॉइंट दोनों बाजू में टीगर पॉइंट रहता है ऐसा, वो टीगर पॉइंट कॉन्टैक्ट हो जाता है और बैटरी से और जोर से हैवी एम्पियर से करंट खींचता है और वो जोर से घुमाता है, घुमाने की कोशिश करता है नहीं, तो जोर से घुमाता है, जोर से घुमा के फिर इंजन को स्टार्ट कर देता है। जब ही इंजन स्टार्ट हो जाता है, आप पुश स्विच क्या करता है, छोड़ देता है। तो जब आप पुश स्विच छोड़ दिया, तब क्या हो गया, स्प्रिंग है, स्प्रिंग लेके आगे गया था, तब स्प्रिंग क्या किया, उसको खींच के पीछे कर दिया, किसको, क्विक पिनियन को, क्विक पिनियन को खींच के पीछे कर दिया, तो क्विक पिनियन पीछे आ गया, फिर इंजन ऐसा चलते रहता है, इंजन स्टार्ट हो गया। तो इंजन तो स्टार्ट हो गया, स्टार्ट होने के बाद भी आपको काम रहता है थोड़ा सा, क्योंकि उसको देखो, प्रेशर देखो, लो ऑयल का प्रेशर बराबर है क्या नहीं, टेम्परेचर बराबर है क्या नहीं, उसको कूलिंग होता है क्या नहीं बराबर, वो देखो जरा, ये पानी जो बाहर है वो पानी कूलिंग होके पानी बाहर पड़ता है क्या नहीं, किसी को बोलो जरा बाहर ना, छोटा अगर आपका छोटा जहाज है तो बाहर पानी गिरता क्या नहीं, उसको देखने को बोलो, बड़ा बड़ा जहाज है तो उसमें उसको प्रेशर दिखाता है तो मालूम पड़ता है, वो पानी डिस्चार्ज होता है, डिस्चार्ज का वहाँ पे भी मालूम पड़ जाता है, जो प्रेशर में डिस्चार्ज होता है। ओके, तो ये हुआ आपका इलेक्ट्रिक स्टार्टर जो है उसमें इंजन कैसा स्टार्ट होता है। शॉर्ट एंड स्वीट में बोलने का है तो जो मैं इतना जो बोला उसमें शॉर्ट एंड स्वीट में बता देने का, इंजन स्टार्ट कैसा करता है और कैसा होता है, ये क्वेश्चन आएगा सच्चा बोलने का। तो आज मैं ये वीडियो बढ़ाते नहीं, अगले वीडियो में मैं बताएगा दूसरा, उसका पहले मैं आप लोगों को ये बताता है, पहले आप तो आराम से वीडियो देखो, कान में सुनते रहो, क्योंकि आपको अगर पास होना है, जिसका पास है बहुत पैसा है कुछ है, तो वो जाओ क्लास में जाओ, मुंबई में बहुत क्लास है, ऑल इंडिया में बहुत क्लास खुला हुआ है, लेकिन सावधानी से, कहाँ फ्रॉड में आप ना पड़ जाए, इसलिए सावधानी से जाइए, क्लास कीजिए मांगता तो,
अगर जिसके पास पैसा नहीं या कोई जहाज से उठ नहीं सकता, बहुत गरीबी घर से आया और फैमिली को देखने का लिए उसने जहाज से नहीं उठ सकता, वो लेकिन एग्जाम देने का है, वो कैसा देगा? वो वहाँ पे ही बैठ के आप हमारा वीडियो देखते रहिए, कान में लगा दीजिए, गाना जैसा सुनता है, और देखते रहिए। बात ऐसा है, उसमें देखते देखते आपको ऑटोमेटिक सब नॉलेज हो जाएगा और क्वेश्चन भी आपको समझ में आ जाएगा, सब क्वेश्चन जो आप लोगों को। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं नहीं है, जब नहीं रहेगा, तब कम से कम आप लोगों को ये क्वेश्चन काम में आएगा। अब तक हिंदी में कोई भी ऐसा चैनल चालू नहीं किया, मैं खुद ड्राइवर से ऑयलर से आया करके सेकंड क्लास ड्राइवर, फर्स्ट क्लास ड्राइवर, इंजीनियर एग्जाम दिया, तो इसके लिए हमको ये एग्जाम का 30 साल तक अनुभव है और ये अनुभव आप लोगों को शेयर करता है। तो उसके लिए ये चैनल चालू रहने के लिए आप आज एग्जाम देगा, कल आपका भाई एग्जाम देगा, परसों आपको कोई एग्जाम और कोई नाते होता कोई भी एग्जाम देगा, लेकिन ये अगर चालू रखना है ये आपका ऊपर है, क्योंकि इसमें भी नेटवर्क खर्चा होता है, कुछ खर्चा होता है। जिस दिन आप पास हो जाओगे, सर्टिफिकेट हाथ में मिल जाएगा, उस दिन कम से कम नेटवर्क के लिए, जो आपको चैनल चालू रखने के लिए आप हमको मैसेज दीजिएगा, कम से कम पास हुआ तो चैनल चालू रखने के लिए आपको जो कुछ हेल्प करने का है वो कर दीजिएगा। आज इतना है, थैंक यू।